महोबा में पुलिस ने बेखौफ सशस्त्र बदमाशों द्वारा दुकान से घर जा रहे सराफा व्यापारी पर गोली मारकर लूटपाट की सनसनीखेज वारदात से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। यूपी के महोबा में पुलिस से बेखौफ सशस्त्र बदमाशों द्वारा दुकान से घर जा रहे सराफे व्यापारी पर गोली मारकर लूटपाट की गई है। वहीं इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। वहीं सराफे व्यापारी पर जानलेवा हमला कर बदमाश सोने चांदी के आभूषण सहित रुपयों से भरा बैग लूटकर मौके से फरार हो गए। वहीं सराफा व्यापारी की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। घटना की सूचना मिलने पर एसपी ने भारी पुलिस बल के साथ मौके पर 5 आरोपियों की तलाश को लेकर टीमें गठित कर दी हैं। बता दें कि महोबा पुलिस अधीक्षक अपर्णा गुप्ता ने बताया कि गुरुवार शाम अलीपुरा मोहल्ले में रहने वाले सराफा व्यापारी अजय कुमार अपनी दुकान को बंद कर घर जा रहे थे, तभी पहले से घात लगाए बैठे बदमाशों ने उन पर हमला कर गोली मार दी। बदमाश व्यापारियों का रुपये और सोने चांदी के आभूषण से भरा बैग लेकर फरार हो गए हैं। व्यापारी की हालत नाजुक होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। वहीं पुलिस टीमें गठित कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी गई है। वहीं तहरीर के आधार पर पुलिस आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई करने की निर्देश दिए गए हैं। जो ज्वेलर्स की घटना का अंजाम दिया है, क्या मामला है इसका? देखिए, आज शाम को एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना पनवाड़ी में एक मोहल्ला है अलीपुरा, जिसके रहने वाले अजय सोनी ये अपनी दुकान से वापस आ रहे थे, और जब ये आ रहे थे तो रास्ते में इनके ऊपर फायर हुआ है जिसमें इनको गोली लगी है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पर तुरंत ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और इनको उपचार हेतु CHC ले जाया गया, जहां से इन्हें आगे झांसी रेफर किया गया है। हमारी पूरी पुलिस टीम उनके साथ उनको लेके झांसी को रवाना हो चुकी है। मौके पर फील्ड यूनिट, सर्वेलेंस, स्वाट और सभी उच्चाधिकारी सभी मौजूद हैं। साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जैसे ही तहरीर प्राप्त होगी उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। इसके लिए 4 टीमों का गठन ऑलरेडी कर दिया गया है। बहुत जल्दी इस घटना का खुलासा किया जाएगा। क्या है, क्या घटना हुई आपके पापा के साथ? मेरा नाम नंदिनी सोनी है, फिर पापा का नाम अजय कांत सोनी है, और वो अभी सुबह कुछ एकदम सब सही था, और वो अभी जब दुकान से घर वापस आ रहे थे तो यहीं पे दो घर छोड़ के ग्रीन कलर का घर बना, तो वहाँ से वो आ ही रहे थे, तो पता नहीं किसी ने क्या किया, तो पहले 2 आवाज आई तो मुझे लगा कोई पटाखा वगैरह गला, लेकिन उसके बाद गोली जैसी आवाज आई, पता नहीं, समझ में नहीं आया, मुझे लगा कोई पटाखा वगैरह गला, मुझे ऐसा लगा। तो उसके बाद फिर कुछ नहीं, तो उसके बाद फिर एक लोगों ने गेट नॉक की, तो मेरी मम्मी पूजे के लिए रेडी हो रही थी, मैं पढ़ रही थी, तो एक लोगों ने बताया, तो फिर हम लोग गए जल्दी से दौड़कर, तो उनको थोड़ा सा लग गया था, तो मैंने उनका सर वगैरह पकड़ा, तो उनको सर से खून आ रहा था, और उसके बाद फिर थोड़ा लोग कलेक्ट हुए, फिर पापा हॉस्पिटल के लिए निकल पड़े। आपने देखा कौन लोग थे क्या? मैंने कुछ नहीं देखा, हम सब लोग अंदर थे। बैग वगैरह लिए थे क्या कुछ सामान? हाँ, बैग दुकान से आ रहे थे तो सारा बैग वगैरह लिए थे, तो उसमें गोल्ड सिल्वर सब था, तो वो सब लिए थे। तो बैग मिला आपको? नहीं, बैग तो तुरंत ही चला गया। अच्छा, ले गए छीन, बोल बैग ही ले गए, उनका निशाना बैग पर ही था। कोई दुश्मनी तो नहीं पहले से? कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।